दोस्तों बिल्कुल अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से रेलवे जेई परीक्षा रिजल्ट 2019 के रिगार्डिंग। जी हां दोस्तों, फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप अपनी आंसर की कैसे चेक कर सकेंगे और दोस्तों ऑब्जेक्शन आपको कैसे रेज करना है पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। या दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों यहां पर आपको सभी 21 बोर्डों की लिस्ट मिल जाएगी और यहां से आप किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। जैसा कि आपके सामने कोलकाता बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और दोस्तों यहां पर दो लिंक एक्टिवेट किए गए और दोस्तों एक लिंक है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और दोस्तों दूसरा लिंक है आपका आंसर की चेक करने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको क्या करना है पूरी की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आंसर की चेक करने का लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है 11 जुलाई 2019 को और दोस्तों 14 जुलाई 2019 के रात के 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकेंगे और दोस्तों 50 रुपीज चार्ज रखा गया है हर एक सवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन करने के लिए। अगर आपको ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आपको ये 50 रुपीज वापस कर दिया जाएगा यानी रिफंड आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है तो सबसे पहले गूगल पर टाइप करना है sarkariexamcenter.com और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर के लिंक पर क्लिक करना होगा और दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिवर्सल लिंक मिल जाएगा जहां से सभी 21 बोर्ड के कैंडिडेट एक सिंगल क्लिक से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यहां पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहां से लॉग इन करने के बाद आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे और ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको आंसर की डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा जहां से आप एक सिंगल क्लिक से अपने आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।